हेलो एवरीवन, आई विश यू वेरी 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 हैप्पी। क्या क्या सुनना चाहते हैं आप? आप जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं कहने वाली, बल्कि मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को नहीं लगता जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की उस दिन प्रारंभ होना चाहिए हमारा नववर्ष? क्या आप लोगों को नहीं लगता सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ आरंभ होना चाहिए हमारा नववर्ष, न कि आधी रात में? क्यों क्यों हमारा युवा न्यू ईयर के जोश में आके होश गवा के नशे के आगोश में बेसुध पड़ा रहे? हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को आरंभ होता है भारतीय नववर्ष। सम्राट विक्रमादित्य ने भी इसी दिन अपना अखंड राज्य स्थापित किया था। 5112 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक भी इसी दिन हुआ था। लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम ने भी राज्य अभिषेक हेतु इसी दिन को चुना। शक्ति और भक्ति के नौ दिन अर्थात नवरात्र स्थापना का पहला दिन भी यही रहा। अर्थात हमारा भारतीय नववर्ष 5000 वर्षों से तो मनाया ही जा रहा है। आइए हम वह नववर्ष मनाएंगे जो आया नहीं है, आने वाला है। जब वसंत ऋतु का आगमन होगा, उल्लास उमंग खुशी तथा चारों ओर पुष्प सुगंधी का वातावरण होगा और प्रकृति उस रूप से अपना नया श्रृंगार करेगी। फसल कटने का समय होगा अर्थात किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। नक्षत्र शुभ स्थिति में होंगे अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक मुहूर्त शुभ होगा। अर्थात हमारा भारतीय नववर्ष वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को भी प्रस्तुत करता है। अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि आप नव संवत्सर मनाएं न कि न्यू ईयर, क्योंकि यदि नववर्ष में हर्ष न हो, जीवन में उत्कर्ष न हो, तो सुख समृद्धि की कामना कैसे की जा सकती है।